तो फाइनली जो वरदान पर खतरा था वो अब ढल चुका है, तो आखिर किस पर चढ़ा खतरा, तो कैल्चर में सबसे बढ़िया होता है पर आप सबका फेवरेट शो अनोखा बंदर, जिसके कारण फिर सुना आप सबको कल के एपिसोड में। जैसा कि आप सबको पता है कि वरदान पर बहुत ही ज़्यादा खतरा था और आप सबको पता है कि वो अभी तक होश में नहीं आया है, बट हाँ बच गया है, मतलब वो सेफ है और वो बच सकता है आराम से, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। बट आप सबको पता है कि घर में पंडित जी बुलाया जाएगा, जिसमें आप सबको पता है कि सबके कुंडली दिखाए जाएंगे, जिसमें आप सबको पता है कि बताया जाएगा कि वरदान काफ़ी ज़्यादा खतरा था जो टल चुका है और वो खतरा किसी और पर चढ़ चुका है और वो बहू का नाम लेगा। लेकिन जब केतकी अपना कुंडली दिखाएगी तो कुंडली किसी और का ही होगा, पंडित जी शौक हो जाएंगे क्या कि किसका कुंडली है। और आप सबको पता है कि जो पूरी तरह से घर में बदनाम थी आप सबको पता है, और जिसे यहाँ पर पिछले एपिसोड में सजा दिया गया था, वो अपने सर पर सारी यहाँ पर मुसीबत ले चुकी है और आप सबको पता है कि उसको बेहोश भी हो गया। बट आप सब कह रहे थे वो सेफ है या नहीं, आपसे नहीं कमेंट बताइए।